अच्छा क्या तुमने कल रात नंबर वन गाना देखा हेनरी? हाँ मेरा फेवरेट शो है। क्या तुमने भी देखा ग्रैम? क्या कहा? सब जानते हैं गाना नंबर एक है थ्रश हॉर्नेट्स, कमाल का गाना है। ना, सबसे अच्छा गाना है एग्स ऑन द ब्रेन, नंबर वन गाना है। तो बट थ्रश हॉर्नेट्स या एग्स ऑन द ब्रेन? ऐसा क्यों? थ्रश हॉर्नेट्स या एग्स ऑन द ब्रेन? दोनों बकवास है। एग्स ऑन द ब्रेन? नहीं, अब थ्रश हॉर्नेट्स। सॉरी। कैसे हो मेरे नगरवासी? तशरीफ रखिए जहाँ पना हेनरी। थ्रश हॉर्नेट्स या एग्स ऑन द ब्रेन? सोचने दो। थ्रश हॉर्नेट्स में गिटार सोलो बढ़िया है और एग्स ऑन द ब्रेन में पियानो सोलो कमाल का है। आज क्या खास बात है जो तुम बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो हेनरी? हाँ मिस बटलेक्स। तो क्या तुम इस अच्छे मूड का राज हम सबके साथ शेयर नहीं करोगे हेनरी? नहीं मिस बटलेक्स। क्या तुमने मुझे अभी अभी ना कहा हेनरी? नहीं मिस बटलेक्स, मेरा मतलब हाँ मिस बटलेक्स, पर मैं बताऊँ मिस बटलेक्स। बैठ जाओ। यस मिस बटलेक्स। अच्छा तो कोई और है जो हेनरी के अच्छे मूड की वजह हम सबको बता सकता है? मैं बताऊंगी मिस, ये बहस कर रहे थे। अच्छा मार्गरेट, नंबर वन गाना कौन सा है इस पर? हाँ गाना। ओ थैंक यू मार्गरेट। और फिर मैंने कहा थैंक यू मार्गरेट। तो बताओ तुम्हारे लिए कौन सा गाना नंबर वन गाना है हेनरी? थ्रश हॉर्नेट्स। तुमने बिल्कुल गलत जवाब दिया है हेनरी। बहुत सारे गाने बनाए गए हैं, कुछ बहुत ही अच्छे और कुछ ठीक ठाक गाने बनाए गए हैं। अब मैं तुम सबको वो सारे गाने सुनाने वाली हूँ जो हैं मेरे फेवरेट। तो 1 2 3 4 अब एक और गाना स्पेशली तुम्हारे लिए हेनरी। हुरे! तुम रुको हेनरी, एक गाना है जो मेरे लिए सच में नंबर वन गाना है और वो गाना मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। हेनरी को बहुत ही अच्छी सजा मिली है। जाने दो मार्गरेट, हमें उसकी मदद करनी होगी। ओ नहीं, हेनरी खुद का ख्याल रख सकता है। मैंने कहा मुझे जाने दो। मुझे बचाओ। ओ देखो हेनरी कितना खुश लग रहा है। ओ बेचारा हेनरी। हम तो पकड़े गए। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या अंदर कोई बैग पाइप बजा रहा है? जी हाँ सर, हेनरी की प्राइवेट क्लास चल रही है। ओह अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। तुम्हारे बैग पाइप की आवाज सुनकर मैं चला आया बैटलैक्स। थैंक यू सो मच
मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। आप तो बहुत बहुत अच्छा बैकपाइप बजा लेती हो बैटलैक्स। ओ मिस्टर सिदमर, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। चलो तो मैं मेरा बैंजो ले आता हूँ। बैठ जाओ तुम सब। और अब आपके सामने पेश है राउंड टू। सकता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हेनरी। हाँ जानता हूँ, मेरी ही गलती है। अब तुम जा सकते हो सिदमत, मेरा मतलब है मिस्टर सॉगिंगटन। ओह हाँ हाँ जरूर, अब फिर मिलेंगे बोर्ड। अब मेरा मतलब मिस बैटलैक्स। एक्सक्यूज मी मैम। क्या बात है ब्रायन? कुछ होमवर्क करना है। ओह हाँ, होमवर्क। हेनरी? हाँ मम्मी। तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मी। कहाँ जा रहे हो? होमवर्क करने। होमवर्क? हेनरी? हाँ मम्मी। तुम सच में ठीक हो ना? होमवर्क, चलो अच्छा है। ओ फैंग, अब मेरा क्या होगा? मुझे बहुत होमवर्क है। ओ फैंग, तुम कभी नहीं समझोगे। चली जाओ, मैं बिजी हूँ समझी। उम्मीद है कि तुम बस होमवर्क करने में बिजी हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं होमवर्क नहीं करता माइग्रेट। ओ इसे देखो, मैं तो कभी होमवर्क ही नहीं करता, लेकिन इस बार तुम होमवर्क जरूर करोगे। किसके कहने पर? हाँ बोलो। हम सबके कहने पर। ये सब लोग भी मेरे साथ है हेनरी। तुम भी राइफ? तो क्या लाए हो कि नहीं? क्या तुम लाई हो? हाँ बिल्कुल लाई हूँ। चलो चलो जल्दी करो, सब लोग जल्दी से बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर। कल मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था। हाँ, मिस्टर बैटलैक्स। इतना आसान होमवर्क था कि तुम भी उसे कर सकते थे हेनरी। यस मैम। और अब मेरा सवाल ये है कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया है हेनरी? बर्ड भी अपना इंस्ट्रूमेंट लाया है ना बर्ड? ऐसा क्यों? उम्मीद है कि तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है हेनरी कि होमवर्क नहीं करने का अंजाम क्या हो सकता है। एक मिनट रुकिए, मैंने अपना होमवर्क किया है। क्या? One, two, three, four.